हम लोग आज जा रहे हैं अपनी कार में न्यू बॉर्न बेबी के लिए कार सीट इंस्टॉलेशन करवाने। न्यू बॉर्न बेबी के लिए कार सीट इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, अभी मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। हमारी कार में ऑलरेडी कार सीट है, पर हमें न्यू बॉर्न बेबी के लिए उसको रिवर्स करवाना पड़ेगा। तो हमारी कार में ऑलरेडी कार सीट है, हमें उसको बस टर्न करवाना है ताकि वो रियर फेसिंग हो। न्यू बॉर्न बेबी के लिए रियर फेसिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बेबी के आने से पहले प्रिपेयर करनी पड़ती है। कार सीट इंस्टॉलेशन वैसा ही एक काम है जो आपको बेबी अराइवल के पहले रेडी करना पड़ता है। हम आ गए हैं बेबी बंटिंग। अब यहाँ पे हम लोग कार सीट इंस्टॉलेशन करवाएंगे। यहाँ पे बाकी भी बहुत सारे स्टोर्स हैं। बेबी बंटिंग उधर ही है पीछे, मुझे लग रहा है। हाँ, पीछे ही जाना पड़ेगा। तो बेबी किंगडम दिखा रहा है पापा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, हम दूसरे स्टोर में आ गए। हमें जाना था बेबी बंटिंग, हम आ गए बेबी किंगडम। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और बेबी बंटिंग जाएंगे। साइड काउंसिल कहाँ से मुड़ रहा है? यहाँ से मुड़ेगा। अच्छा, तो हमें आना था ये वाले स्टोर पे, बेबी बंटिंग। मैं तो आज पहली बार आई हूँ। फिर भी हम गलत मुड़ गए थे हैं? एक बार आए होंगे। सीट लेने आए थे क्या? लेकिन नो एंट्री इधर से था। ये है ना, यहाँ से एंट्री होगी ना, टिकट लगेगा। चलो, हमें ये बेबी बंटिंग आना था। हम बेबी किंगडम रुक गए थे पिछले उसमें। वेलकम, ये गए हैं पता करके लाएंगे कितनी सारी सीट्स रखी हैं। हमारे पास तो सीट है इसलिए हमें सीट खरीदने की जरूरत नहीं है, पर अगर सीट नहीं हो तो यहाँ से सीट भी खरीद सकते हैं। हमारा फिर से कट गया है दोबारा बार, क्योंकि फिटिंग करानी थी सीट पर, हम गए भूल क्यों गए? हमें लगा कि 11 का था 10। इनके साथ बहुत नॉर्मल है, हमेशा होते रहते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ तो हमारा अपॉइंटमेंट मिस हो गया। अब दूसरे स्टोर में जाके देखेंगे कि आज कार सीट इंस्टॉल हो जाए, नहीं तो फिर इनको करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी ये सीट हमारी फ्रंट फेसिंग है। वो क्या देता है कि वो सर्टिफिकेट, तो ये देख रहे हैं कि अगर इनसे हो जाएगी तो। वैसे रिकमेंडेड रहता है कि किसी ऑथराइज्ड जगह से सीट आप इंस्टॉल करवाएं, पर आप खुद भी लगा सकते हैं। अभी हमारी सीट फ्रंट फेसिंग है क्योंकि ईवा बैठती है, पर न्यू बॉर्न के लिए इसको रियर फेसिंग होना जरूरी है, जो हमें करवाना है आज। अब हम तीसरी जगह आए हैं और होपफुली हमारी फेवरेट जगह, होपफुली यहाँ पे हमारी कार सीट का काम हो जाए। तो आज का दिन तो गया बर्बाद। जहाँ हमें उम्मीद थी कि यहाँ तो कम से कम अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, वहाँ पे भी आज का अपॉइंटमेंट नहीं मिला। अब कल का अपॉइंटमेंट मिला है 12 बजे का। इनको बार बार बोलना पड़ेगा, नहीं तो पता चले कल का भी मिस कर देंगे। तो अब हम कल आएंगे वापस और सीट इंस्टॉल करवाएंगे। होपफुली कल ये हो जाएगा काम हमारा, तो हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है अब। Day 2, हम वापस आए हैं आज कार सीट इंस्टॉल कराने के लिए। इस काम के लिए विदेशों में 2-3 बार आना पड़ता है। विदेशों में तो एक ही बार आना पड़ता है अगर आदमी को अपना अपॉइंटमेंट याद रहे। तो सीट तो लग गई भाई, फाइनली 10 मिनट का काम था, इसके लिए हमें 2 दिन बर्बाद करने पड़े। अब ये रियर फेसिंग हो गई है। तो फाइनली ये काम हो गया हमारा। छोटे से काम के लिए हमें 3 जगह जाना पड़ा और 2 बार जाना पड़ा।
ऐसे यहाँ लूज करके इसमें बच्चे को बैठाना है, फिर बैठाने के बाद टाइट करके वापस मोड़ के रख देना है।